नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास की कहानी। एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उनका एक बेटा और एक बहू थी। बूढ़ी अम्मा धार्मिक कार्य को करने में व्यस्त रहती थी। पुरुषोत्तम मास आया तो बेटा बहू ने कहा, माँ तुम हर पुरुषोत्तम महीने में स्नान दान करती हो, क्या तुम्हें इसका कोई फल भी मिला है? मेरे विवाह को 5 वर्ष हो गए हैं, किंतु ना तो मेरी कोई अच्छी नौकरी लगी है, ना ही तुम्हारे कोई पोता हुआ है। माँ बोली, बेटा मैं पुरुषोत्तम भगवान से पूछूंगी कि मेरे स्नान दान का फल मुझे कब मिलेगा। इतना कहकर वह घर से जय पुरुषोत्तम भगवान, जय पुरुषोत्तम भगवान कहते हुए निकल गई। चलते चलते रास्ते में उसे एक आदमी मिला जिसे कोढ़ की बीमारी थी। वह आदमी बोला, माई तुम कहाँ जा रही हो? बूढ़ी अम्मा ने कहा, भाई मैंने अपने जीवन काल में हर 3rd वर्ष आने वाले पुरुषोत्तम मास का स्नान दान व्रत आदि किया है, लेकिन मेरे बेटा बहू कहते हैं कि उसका कोई पुण्य नहीं मिला है, इसलिए मैं पुरुषोत्तम भगवान के पास जा रही हूँ और उनसे मिलकर यह पूछूंगी कि मुझे इसका फल कब मिलेगा। तब कोड़ी बोला, माई यदि तुम्हें भगवान मिले तो मेरे भी दुख का निवारण पूछ लेना। जब मैं 13 वर्ष का था तब से मुझे कोढ़ है, ये सजा मुझे किस कर्म की मिल रही है? बुढ़िया बोली, जरूर पूछूंगी। और यह कहकर वह जय हो पुरुषोत्तम भगवान ऐसा कहते हुए आगे बढ़ी। चलते चलते रास्ते में उसे एक कुम्हार पति पत्नी मिले। उन्होंने पूछा, माई आप कहाँ जा रही हो? बूढ़ी अम्मा ने सारी बात अब कुम्हार को बता दी। कुम्हार सुनकर बोला, माई क्या आप हमारे दुखों का निवारण भी अपने पुरुषोत्तम भगवान से पूछ लोगी? हमारी आजीविका केवल मटके बनाने से ही चलती है। पिछले 2 वर्ष से हमारे चाक पर टूटे फूटे मटके बन रहे हैं। कुछ भली प्रकार से बन भी जाते हैं तो वे पकाते समय फूट जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आप यह जरूर पूछ लेना। बूढ़ी अम्मा बोली, जरूर पूछूंगी बेटा। इतना कहकर वे वहां से जय पुरुषोत्तम भगवान कहते हुए आगे चल दी। कुछ ही दूरी पर उससे एक सांप मिला। उसने कहा, मैं तुम्हें डसूंगा। बूढ़ी अम्मा ने कहा, जब मैं लौट कर आऊं ना तो डस लेना, अभी तो मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूँ। सांप ने कहा, माई तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिले तो मेरे दुख का निवारण भी पूछ लेना कि मेरी नागिन जब भी अंडे देती है तो उनमें से एक भी सपोला जिंदा नहीं रहता, हमें यह किन कर्मों का फल मिल रहा है? जरूर पूछूंगी। ऐसा कहकर वह आगे चल दी तो उसे एक वृक्ष के नीचे बैठे महात्मा मिले। उन्होंने पूछा, बूढ़ी माई आप कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो? बूढ़ी अम्मा ने उन्हें भी अपने बेटे बहू द्वारा दिए गए तानों की सारी बातें बता दी। यह सुनकर महात्मा बोले, यदि तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिल जाए तो तुम उन्हें पहचानोगी कैसे? बूढ़ी अम्मा बोली, मैं उन्हें पहचान लूंगी। इतना कहकर उसने महात्मा को प्रणाम किया और बोली, जय हो पुरुषोत्तम भगवान, जय हो पुरुषोत्तम भगवान। ऐसा कहते ही पुरुषोत्तम भगवान ने उसे दर्शन दिए। भगवान ने कहा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? बूढ़ी अम्मा ने कहा, प्रभु आपके दर्शन होते ही मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे सब कुछ मिल गया हो, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान बोले, तुम्हारा कल्याण हो। अब बूढ़ी अम्मा रास्ते में मिले सभी लोगों के दुखों का निवारण पूछने लगी। सबसे पहले कोड़ी के बारे में पूछा तो भगवान बोले, बुढ़िया माई वह कोड़ी अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रहा है। पिछले जन्म में वह एक नगर का राजा था। वह अपनी प्रजा को बिना वजह ही दंड देता रहता था।
उस कोड़ी को अपनी ही प्रजा की हाय लगी है। तुम मेरे चरण की धूली ले जाओ और उसके शरीर पर लगा देना, वह ठीक हो जाएगा। अब बूढ़ी अम्मा ने कुम्हार दंपत्ति के दुखों का निवारण पूछा तो पुरुषोत्तम भगवान बोले, एक बार उसी के गांव का गरीब व्यक्ति अपनी बेटी के विवाह के लिए कलश लेने आया था। उसके पास पैसे न होने के कारण कुम्हार दंपत्ति ने उसे कलश देने से मना कर दिया था। उसे उस गरीब की हाय लगी है। तुम उससे कह देना कि अपने बनाए 100 मटके किसी प्याऊ में दान दे दे, तो उसका दुख दूर हो जाएगा। अब बूढ़ी अम्मा ने नाग के दुखों का कारण पूछा। पुरुषोत्तम भगवान बोले, उस नाग ने एक बार एक गर्भवती स्त्री को डस लिया था। वह स्त्री अपने गर्भस्थ बच्चे के साथ मर गई थी। उसी की हाय उस नाग को लगी है। तुम नाग से कह देना कि यदि वह अपनी अमृत मणि किसी गरीब को दे दे तो उसके बच्चे हो जाएंगे। सबकी दुखों का निवारण पूछने के बाद बूढ़ी अम्मा ने पुरुषोत्तम भगवान को प्रणाम किया। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अपनी साड़ी के पल्लू में बूढ़ी अम्मा ने भगवान के चरणों की धूल को बांधकर फिर से घर की ओर चल दी। सबसे पहले वह सांप से मिली। सांप ने कहा, क्या हुआ बूढ़ी अम्मा, भगवान के दर्शन हुए क्या? मेरे दुखों का कुछ निवारण उन्होंने बताया क्या? बूढ़ी अम्मा ने उन्हें सारी बात बता दी। अब उसने कहा, माई, मैं एक गरीब आदमी कहाँ ढूंढूंगा? मेरी मणि तुम ही ले जाओ, क्योंकि मेरे पास तो डर के मारे कोई आता ही नहीं है। बूढ़ी अम्मा ने वह मणि ले ली और वह आगे चलती तो उसे कुम्हार दंपत्ति मिले। उन्होंने कहा, बूढ़ी माई, तुम्हें भगवान मिले क्या? हमारे दुखों का कुछ निवारण बताया? बूढ़ी अम्मा ने उन्हें सारी बात बता दी। दोनों कुम्हार पति पत्नी बोले, माई, हम आज ही प्याऊ में 100 मटके दान दे देंगे। अब वह अपने घर की ओर आगे बढ़ दी। रास्ते में उसे वही कोड़ी मिला। उसने कहा, माई, भगवान के दर्शन हुए? मेरे दुखों का कुछ निवारण पूछा क्या तुमने? बूढ़ी अम्मा ने उसे सारी बात बता दी और फिर साड़ी के पल्लू से पुरुषोत्तम भगवान के चरणों की मिट्टी उसके पूरे शरीर पर लगा दी और थोड़ी चरण धूली वह अपने बेटे बहू के लिए भी ले गई। भगवान के चरणों की धूली लगते ही उस कोड़ी का कोट ठीक हो गया। खुश होकर उसने बूढ़ी अम्मा को बहुत सारा धन दिया। धन और अमृत मणि लेकर बूढ़ी अम्मा अब अपने घर पहुंची तो देखा उसका छोटा सा घर बड़ा बन गया था। घर में अन्न धन के भंडार भरे हुए थे। बेटा बहू माँ को देखकर खुश हुए और पुरुषोत्तम भगवान के चरणों की धूली उन्होंने अपने शीश पर धारण की। बेटा बोला, माँ, तुम्हारे स्नान और दान के पुण्य और भगवान की कृपा से मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई है और तुम्हारी बहू भी गर्भवती हो गई है। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा बहुत खुश हुई। तो ऐसी है पुरुषोत्तम भगवान की महिमा।